हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू अगेन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए हैं इंग्लिश ऑनर्स के, तो अभी भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, और इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके इंग्लिश ऑनर्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए फोर्थ सेमेस्टर के। तो फ़िलहाल मैं अभी जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हैं 2019 के, ये जो मई में एग्ज़ाम हुआ 8 से 22 तक के बीच में, तो फिलहाल मैं इनको डिस्कस करूँगा क्योंकि तीन पेपर थे हमारे पास मेन कोर के, 18th सेंचुरी रोमांटिक और 19th सेंचुरी। 18th सेंचुरी लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर और 19th सेंचुरी लिटरेचर, ये तीनों जो हैं ब्रिटिश लिटरेचर के जो पार्ट हैं, तीनों तीन अलग अलग कोर पेपर हैं। तो इनके जो पेपर आए थे इस बार वो डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे हम रोमांटिक के बारे में, रोमांटिक लिटरेचर का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फिलहाल ये जैसे देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का था और यूनिक पेपर कोड ये रहा। रोमांटिक लिटरेचर देख सकते हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश CBCS, क्योंकि फिलहाल अब CBCS पैटर्न चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप देख सकते हो, पहले FIUP था, थर्ड ईयर 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो समझ सकते हो आप यहाँ पे। बाकी फोर्थ सेमेस्टर का है, 3 घंटे मिले थे एग्जाम्स के लिए और 75 मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। 25 जो है इंटरनल्स के होते हैं, जिसमें आपका 5 जो है अटेंडेंस और 10 नंबर असाइनमेंट और 10 नंबर इंटरनल टेस्ट के होते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं इसमें, अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी हैं। 4 क्वेश्चन हैं, बेसिकली 4 नहीं है 6 हैं, ये 4 पार्ट में आप समझ सकते हो। बेसिकली 6 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 नंबर के 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ऐसा कुछ हो सकता है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जो है, छोटा छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें ये है कि आइडेंटिफाई और कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग। सो व्हाट आर दे सेइंग दैट, कि अगर आपने पढ़ा होगा ये पोएम है, क्योंकि आपको पता होगा कि रोमांटिक लिटरेचर में जो है मैक्सिमम पोएट्री सेक्शन ज़्यादा था, इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट है फ्रैंकनस्टीन, तो इसमें आपको पोएट्री पहचाननी है कि ये किस पोएम का है, मतलब टाइटल क्या है पोएम का, राइटर और सॉरी राइटर कह रहा हूँ पोएट कौन है, और इसके अलावा कंटेक्चुअलाइज करना है और क्रिटिकली कमेंट करना है, क्रिटिकली कमेंट करना है, ठीक है। कंटेक्चुअलाइज करके कि क्या बताना चाहता है, किस चीज़ के बारे में था, बैकग्राउंड बता दो, थोड़ा सा हिस्ट्री बता दो कि किस उसमें लिखा गया था। मान लो विलियम ब्लेक की, मैं तो टाइगर की बात करता हूँ, तो किस रेफरेंस में लिखा गया था, उसने कैसे लिखा था इसको, या द लैम की बात करता हूँ, या फिर मैं ओड टू नाइटिंगेल की बात करता हूँ, तो किस रेफरेंस में लिखा गया था, बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दो थोड़ी सी। उसके बाद क्रिटिकली कमेंट करो कि क्या बताना चाहता था पोएट इसके थ्रू से, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। बेसिकली अगर ये बात करें, ये लिया गया है आपका बर्ड्स एपिटाप से, ठीक है, रॉबर्ट बर्न्स की बर्ड एपिटाप से लिया गया है ये वाला जो है, ये थोड़ा सा एक्सर्प्ट कह सकते हो, ये जो थोड़ा सा पोर्शन है पोएट्री का, ये रॉबर्ट बर्न्स की बर्ड्स एपिटाप है। तो प्लीज़ मैं ये कहता हूँ कि आप लाइन टू लाइन पढ़ा करो। बाकी इन सभी पोएट्रीज़ की जो है वीडियोस मेरी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप PC यूज़ करते हो, यानी कि लैपटॉप यूज़ करते हो या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो चैनल YouTube खोलो, YouTube पे डालो लिटरेरी माइंड, ऊपर सबसे ऊपर सर्च बॉक्स में, आफ्टर दैट वीडियोस खुल जाएगा मेरा चैनल। चैनल खोलने के बाद आप वीडियोस आइकन पे क्लिक करो, वहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, या फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, उसमें प्लेलिस्ट आ जाएगी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो अलग अलग सेमेस्टर हैं उस पे क्लिक कर दो, जो उनसे सेमेस्टर में आप हो। क्लिक जैसे ही करोगे तो उस सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं वो सारी आ जाएंगी। तो पिकअप दैट, जो आप चाहते हो उसे पिक करो, देखो उस वीडियो को। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं समझ आ जाएंगी आपको। लाइन टू लाइन मैंने जो है पोएट्रीज वहाँ पे डिस्कस करके, ठीक है। तो ऑल अबाउट इट कि ये बर्ड्स एपिटाप से था। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट का इस और पार्ट में है। अगर मान लो आपको पहले वाला पोएम नहीं पता किसका है, तो ये सेकंड वाला दे रखा है। व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वॉटर्ड हीवन विद देयर टीयर्स, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम मेक दी। तो ये टाइगर का है, विलियम ब्लेक का, जो मैं अभी बता रहा था, ये विलियम ब्लेक का लिया गया है, विलियम ब्लेक की पोएम द टाइगर से। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी जो है क्लियर हो जाएगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो।
क्रिटिकली कमेंट भी करना है, एनालाइज भी करना है इसे, ठीक है, और बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देनी है, कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, किस परिस्थिति में, क्यों, क्या मेन रीजंस थे लिखने के, क्या दौर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे इसमें लिख सकते हो, फ्रेंच का, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये फिलहाल 10 नंबर का था पहले वाला क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट एक ही है, पार्ट दो हैं, पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट दो हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दो चॉइस हैं, पहले वाला करना है कि दूसरे वाला करना है, ठीक है, और पार्ट बी में इसमें भी दो चॉइस हैं, पहले वाला करना है कि सेकेंड वाला अटैम्प्ट करना है। तो यू इट्स योर विश कि आप पार्ट वन करना चाहते हो कि पार्ट टू, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन के दो पार्ट है इसमें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दो। कई बार बच्चों में ऐसा भी होता है, हेजिटेट करते हैं और समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका कुछ लास्ट में छूट गया 15 नंबर वाले। तो आई होप कि 15 नंबर वाले अटैम्प्ट करोगे आप पहले। बाय द वे स्ट्रैटेजी क्या है करने की, जो सा क्वेश्चन पहले आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, ट्राई टू अटैम्प्ट दैट, ठीक है। और इसके अलावा ये है, तो फॉर द फेल्ट देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काई व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज कैन, और लाइक साउट स्टाउट कॉटेज व्हेन, ये है चैपमैन सोमर का, ठीक है, पढ़ के ही समझ आ रहा है। चैपमैन सोमर नाम से जो एक पोएम है वो इसका, ये उसका लिया गया हुआ है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसमें भी समझ जाओगे क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज और बैकग्राउंड वगैरह बताना है इसमें भी, सेम वही सारी चीज़ें हैं। और ये जो है व्हेन म्यूजिंग डीपली ऑन द लॉर्ड, ये लिया गया है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जो कि पर्सी बाई सैले के द्वारा लिखी गई है, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं पीबी सैले के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें भी क्रिटिकल एनालाइज करना है। बाकी आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन के सी पार्ट में। सी पार्ट में भी आपको चॉइस दे रखी है, ऊपर वाला करना है कि नीचे वाला करना है। कैरोलिन एंड जस्टिन, ये दो ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि फ्रैंकनस्टीन में इंक्लूडेड है। अगर आपने फ्रैंकनस्टीन लाइन टू लाइन पढ़ी होगी, लाइन टू लाइन नहीं भी पढ़ी है, एटलीस्ट गो थ्रू दी समरी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो उसमें कैरोलिन एंड जस्टिन है, तो समझ आ जाएगा आपको कि क्या बताना चाहता हूँ मैं। तो कैरोलिन और जस्टिन के बारे में बताना है, उनका करेक्टर समझ लो कि कैरेक्टर इसमें बताना था, करेक्टर और किस टाइप से, जो उनकी सेटिंग, जो कहानी, जो सेटिंग है नॉवल की, जो कहानी है उसमें किस तरह से इनको जो है रोल है, ठीक है, वो सब बताना है इसमें। सेकंड पार्ट में क्या, अगर मान लो ये नहीं आता आपको, ये आता है, तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी, सडनली आई गेज नो नेम एंड आइडिया सीज्ड मी दैट दिस टाइटल क्रिएचर वॉज एन प्रेजिडाइज एंड हैड लिव टू शॉर्ट अ टाइम टू हैव इम्बाइटेड द हॉर ऑफ डिफॉर्मिटी। सो डेफिनेटली यू विल हैव टू, बताना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू टेल दैट हु हैज सेड दिस लाइन्स, ये लाइन किसने बोली है। तो अगर आपने लाइन टू लाइन पढ़ी ही नहीं है फ्रैंकनस्टीन, तो कहाँ से जवाब दे पाओगे। तो इट वॉज बेटर टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन में आ जाता है। पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट थे, मैंने दो कहा था यहाँ पे, सॉरी तीन पार्ट हैं क्वेश्चन के, और तीनों पार्ट में से एक एक क्वेश्चन जो है करना है आपको, बाकी चॉइस दे रखी है, जो उनसे आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं, इमेजिनेशन डिजॉल्व्स डिफ्यूज डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट इट स्ट्रगल्स टू आइडियलाइज एंड यूनिफाई, डिस्कस विद रेफरेंस टू कुबला खान। तो ये बताया गया है कि जो कुबला खान है ना आपका, कुबला खान एक नाम से एक पोएम है, तो ये सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस पोएम है ये। तो उसमें ये बताना है कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल हुआ था उस पोएम में, तो आपको बताना है कि किस टाइप से डिजोल्व करती है, डिफ्यूज करती है डिफरेंट टाइप्स की आइडियाज़ को, और कैसे कैसे ही वो इमेजिनेशन को डिजोल्व करता है, डिफ्यूज करता है, क्या करने के लिए, टू आइडियलाइज एंड यूनिफाई, रिक्रिएट करने के लिए और आइडियलाइज करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए चीज़ों को, किस टाइप से जो है इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है पोएट, वो बताना है आपको। फिलहाल आई थिंक कि आपने वीडियो देख ली होगी, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है कुबला खान के ऊपर, तो गो थ्रू दैट, आसानी से जो है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने वीडियो देख रखी है मेरी। तो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं आता, बाय द वे तो टिंटन एबे के बारे में, ये डिस्क्रिप्टिव लैंडस्केप। देखो टिंटन एबे में ना बेसिकली जो है आपको लैंडस्केप के बारे में बताया जाएगा, ब्यूटी के बारे में, नेचर की, तो ओवरऑल यही है इसमें। तो डिस्कोर्स इन डिस्कोर्स होता है वो डिस्कोर्स होता है डिस्कशन टाइप में। तो डिस्क्रिप्टिव लैंडस्केप पोएट्री इज अ पोटेंशियल साइट ऑफ पॉलिटिसाइज्ड डिस्कोर्स इन विच पोइट्स ड्रॉ फ्रॉम द लैंडस्केप लेसन्स दैट अप्लाई टू द सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम्स। तो ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने लैंडस्केप वगैरह की जो इन पिक्चर को यूज़ किया, उन्होंने क्या करा, अपने सोशल कंडीशंस में उनको लिंक करने की कोशिश करी। डू यू थिंक दिस इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिंटन एबे, ये वो रीजन आंसर। तो क्या आपको लगता है कि ये एप्ट डिस्क्रिप्शन था ये टिंटन एबे का, ठीक है, तो इसका रीजन आंसर देना है। तो आई होप कि अगर आपने
पढ़ी होगी टिंटन एबे, तो सिंपल सी बात है आप लिंक कर पाओगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। किड्स ओड टू अ नाइटिंगेल एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन द पोइट्स फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी डिस्कस। आपको पता होगा ओड टू अगर नाइटिंगेल पढ़ा होगा, जॉन किट्स की आई थिंक, हाँ जॉन किट्स की है। तो बाय द वे एक बार फिर से देख लेना आप, आई थिंक जॉन किट्स की है ये। तो ओड टू अ नाइटिंगेल की बात करें तो उसमें जो है वो नाइटिंगेल को देख के जॉन किट क्या कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह हो पाता, तुम कितने फ्री हो, तो जो भी है। तो उसमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है वो कि काश तुम्हारी तरह हो पाता मैं। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि जो पोइट के जो ये उड़ना उड़ान है इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो टेंशन है रियलिटी को फेस करने में, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होता है, मान लो आप बहुत कुछ कह रहे हो मेरे को ये करना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट इज़ योर इमेजिनेशन। रियलिटी क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे अभी फिलहाल। अगर जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे आप कुछ नहीं बन सकते, दैट इज रियलिटी, दैट इज फार फ्रॉम दी इमेजिनेशन यू आर थिंकिंग अबाउट। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इमेजिनेशन रियलिटी के बीच में जो टेंशन शो की गई है ओड टू अ नाइटिंगेल में, सो आपको ये शो करना है, आपको ये डिस्कस करना है। ठीक है, आंसर्स पसंद आएंगे आपको चेकर को, तो डेफिनेटली दे विल बी गिविंग यू गुड मार्क्स। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है ये। सैलीस ओजीमेंडस वाइप्स आउट हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटी इन गॉडलेस एपोकलिप्स। एपोकलिप्स ये होता है, पहले आप एपोकलिप्स कैलिप्स समझ लो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गॉड ने, गॉड के पास जो है सुप्रीम पावर है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की, जो गुड गुड चीज़ें नहीं है, जो इविल पावर है उनको डिस्ट्रॉय करने की पावर किसके पास है, गॉड, गॉड के पास। प्रीफिगर का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, और निहिलिज्म का मतलब होता है, निहिलिज्म का मतलब होता है डेस्ट्रॉय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको गिरा देना। सोशल स्ट्रक्चर समझ लो, जैसे आप मान लो इस सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपना ये चल रहा है, संसद चल रही है, तो इसको भंग कर देना। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, बताया कुछ और भी हो सकता है निहिलिज्म, निहिलिज्म कुछ और, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल स्ट्रक्चर को ही भंग कर देना। ठीक है, मैरिज की कोई रीति रिवाज है उसको भंग कर देना, वो एक सोशल स्ट्रक्चर है, किस टाइप से किससे बिहेव करना है, माता पिता से कैसे बिहेव करना है, दैट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर। बट इफ़ यू आर नॉट बिहेविंग वेल विद दैम, ठीक है, मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब सोशल स्ट्रक्चर से बाहर अगर कुछ रहे हो, दैट इज़ निहिलिज्म। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, वैसे निहिलिज्म का बहुत बड़ा मीनिंग निकल सकता है अगर बात करें फिलोसॉफी में, डॉक्टर फिलोसॉफी की डॉक्ट्राइन की लैंग्वेज में बात करें तो बहुत बड़ा मतलब निकल सकता है। दैट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई ट्राइड दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या बताना था, एनालाइज करना है आपको इस पोएम में किस स्टेटमेंट के द्वारा, इस स्टेटमेंट के द्वारा कि जो ये हिस्ट्री का जो है ओजीमेंडस में क्या हुआ था, जो वो एक स्टैचू होता है वो टाइम के हिसाब से जो है बनाया था एक किंग ने, वो ढह गया होता है, एक किंग ने एक स्टैचू बनाया होता है, अब बहुत साल हो चुके हैं, ठीक है, तो वो स्टैचू जो है अपने आप ढह गया होता है, गिर गया होता है, सिर अलग हो गया होता है। ठीक है, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से मैं। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जो हिस्ट्री है वो वाइप्स आउट हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी एंड हिस्ट्री जो है सैली की जो ओजीमेंडस है वो किसकी बात करती है, हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी के वाइप होने की, सफाया हो जाने की, किस टाइप से सफाया हो जाने की, ये ना गॉडलेस एपोकलिप्स मतलब भगवान रहित एपोकलिप्स की, मतलब भगवान यहाँ पे नहीं कर रहा, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा चीज़ों को, भगवान नहीं आ रहा डिस्ट्रॉय करने की, भगवान करता है ना, हम ही के बोलते हैं ना भगवान ने डिस्ट्रॉय करा है किसी चीज़ को, मान लो कुछ खराब हो गया तो भगवान ने डिस्ट्रॉय करा है, तो ये ओजीमेंडस इसके विपरीत बात करता है, कॉन्ट्रेरी टू इट ओजीमेंडस समय की बात करता है कि समय जो है चाह जो चाहेगी वो होता है, क्योंकि समय के हिसाब से ही वो जो मूर्ति जो थी वो खराब हो गई थी, गिर गई थी। तो इन अ गॉडलेस एपोकलिप्स दैट प्रीफिगर्स मॉडर्न निहिलिज्म, तो जो मॉडर्न मॉडर्न टाइम पे जो निहिलिज्म की बात करते हैं हम कि सोशल स्ट्रक्चर का बिगड़ जाना, तो क्या ये इस टाइप से जो फॉलो करती है, क्या ये जो है, ये जो मैंने बात कही कि गॉडलेस एनवायरनमेंट में चीज़ें जो हैं साफ़ हो जाती हैं, उनका सफाया हो जाता है, तो क्या ये इस मॉडर्न निहिलिज्म के साथ परफेक्ट बैठती है, क्या ये इसका कह सकते हैं कि ये हिंट था, ये जो चीज़ें ऐसे सफाया हो जाता है, इनका टूट टाट जाती है जो भी चीज़ें हैं, तो क्या ये एक कह सकते हैं कि ये एक प्रीफिगर है मॉडर्न निहिलिज्म का, तो एनालाइज करना है आपको ये पोएम की सहायता से ही एनालाइज कर पाओगे। बाकी लास्ट जो है क्वेश्चन है,
क्रिटिकली एनालाइज द पीज, टाइटल पीज ऑफ फ्रैंकनस्टीन। फ्रैंकनस्टीन के बारे में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, अगर आप पढ़ा होगा टाइटल जो फ्रैंकनस्टीन रखा गया है, क्योंकि विक्टर फ्रैंकनस्टीन था जो इसका मेन कह सकते हो जो साइंटिस्ट था जिसने बनाया था वो क्रिएचर, तो उसके बारे में जो है एनालाइज करना है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट। इन फ्रैंकनस्टीन द इंसिस्टेंट एंड अंडरलाइंग क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। अगर आपने फ्रैंकनस्टीन पढ़ी होगी, क्योंकि विक्टर फ्रैंकनस्टीन एक क्रिएचर बनाता है, बाद में उसे छोड़ देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इंसिस्टेंट एंड अंडरलाइंग क्वेश्चन इज व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, ह्यूमैनिटी है क्या, ह्यूमन बनना है क्या रियलिटी में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूला था विक्टर फ्रैंकनस्टीन, भूला था, तो क्या ये ह्यूमैनिटी है? डेफिनेटली यू विल हैव टू आंसर इन सच ए वे दैट विल यू कैन से इम्प्रेस द चेकर। इफ योर आंसर विल बी इम्प्रेसिंग हिम और हर, सो डेफिनेटली ही और सी विल बी गिविंग यू गुड मार्क्स। सो फाइनली ये था हमारे रोमांटिक लिटरेचर का जो पेपर आया था मई 2019 का, वो उसका जो है डिस्कशन था, और लास्ट ईयर पेपर भी समझ लो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, बदावे डाल चुका हूँ कह सकता हूँ मैं, रोमांटिक कर मैंने डाल दिया है, और 19th सेंचुरी लिटरेचर और 18th सेंचुरी लिटरेचर का भी मैं डालने वाला हूँ। तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो प्लीज़ आप देख लो उसे, उसे भी देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मिल जाए तो मिल जाए आपको, बाय द वे मैं डाल दूंगा वहाँ पे भी, और बाकी एंड दी वीडियो में देखोगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो लेट्स गो अहेड, कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी, या कोई क्वेश्चन हो पूछना इसमें से तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू क्वेश्चन एंड योर डाउट्स। एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रिप्लाई नहीं करा किसी को, रिप्लाई किया है, ठीक है, जो कमेंट्स मेरे को मिलते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ। तो ऑल इट इज, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई नई चीज़ों के साथ, और धन्यवाद।